थोड़ी बहुत ले भी लियो, प्लीज वो स्टेज पर ना आए। आपका अपना अनुशासन, आपका अपना गांव है। चले ये आज विनती है भाई, अगर किसी ने थोड़ी बहुत कुछ ले भी ली तो स्टेज बनाए। ठीक है, देखे इस प्रकार है गांव की बनाने होती है। सर एक मिनट, गांव की तरफ छात्र, हाट की तरफ सिंगवा, सिंगवा राघव और सिंगवा राघव हमारे से भी अनुरोध है, एक जगह ना खड़ा हुए। और तो ये दर्शक साथी हैं, अभी मैच काफी बचे हुए हैं, आप अपनी जगह ले लीजिए। भैया देखो के जो मंच है उसके आगे कितने एकदम खड़े हुए हैं। मस्जिद पहला क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, सिंह वाघो और छात्र के बीच में, काली छात्र रेड पे हरियाणा प्रदेश का उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी, और ये काला के द्वारा, काला सिंह वारा को अच्छी कैच की कोशिश, और ये काली छात्र बचाव करता हुआ जोरदार कोशिश, और ये देसी भाषा में उल्टी कैची गोड़ गांठ लगती हुई जोरदार झटके, एक तो भाई पाई वाले गेर में फंस गया। ये फौजी साहब, हाँ जी, एक और धन्यवीर हमारे गाँव से। हाँ जी बताए, महाराज आपका अपना गाँव बिल्कुल, ये थानेदार सतवीर सिंह जी, थानेदार सतवीर सिंह जी जो खेलों में काफी रुचि थे, उन्होंने खेल भी की, बास्केटबॉल का अच्छे खिलाड़ी थे वो अपने जमाने में। उन्होंने इस खेल कमेटी को 1100 रुपए से प्रोत्साहन किया, भाई साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं खेल कमेटी की तरफ से। धन्यवाद मास्टर विजेंद्र जी, और दानवीर साथियों का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। राजू छात्र कमाल का कैच, हरियाणा सरकार का कनाल गार्ड है, खेल नीति के तहत इस खिलाड़ी को नहर महकमे में कनाल गार्ड के पद में भर्ती किया है। राजू छात्र अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रेड पे, वेदपाल मोर गांव छात्र जिला जींद। और मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से भाई महेंद्र मलिक जो इस हमारे खेल के आयोजक हैं, धन्यवाद। बीजेपी नेता और ये दर्शक साथियों शाम के साथ फाइट है, ये सीख से बीजेपी नेता अंकल पुत्र महावीर, फिर रेड पर महावीर अपनी इस खेल कमेटी को 5100 रुपए देते हैं भाई। और ये राजू छात्र रामवीर पुत्र महावीर 5100 रुपए देते हैं, हम भाई साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद विजेंद्र जी। और ये राजू छात्र दर्शक साथियों हरियाणा प्रदेश का राष्ट्रीय सत्र का खिलाड़ी, कैनाल गार्ड एरीगेशन डिपार्टमेंट में पद पर कार्यरत, फिर मोर परिवार का बेटा गुरजिंदर सिंह उर्फ काली गांव छात्र जिला जींद। सामने सिंगला जिला हिसार के चार स्टॉपर है, हरियाणा प्रदेश का 1358 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बना गया जिला, ये हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर भी क्वेश्चन था। रेड पर दर्शक साथियों, चाहे राजा की बात है, चाहे अमित की बात है, चाहे श्याम की बात है, और चाहे सुमित की बात है, राजा सिंगला के साथ फाइट है दर्शक साथियों। और ये छात्र गांव का बेटा गुरजिंदर उर्फ काली अंक लेने में, फिर दर्शक साथियों चहल परिवार का बेटा कपिल सिंगवा। डीपी साहब, हाँ जी बोलिए। ये हमारा एक्स सरपंच रमेश सिंह जी, एक्स सरपंच रमेश, उन्होंने इस खेल कमेटी को 1100 रुपए से प्रोत्साहन किया, हम भाई साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। जिस खिलाड़ी ने अभी कैच करने की कोशिश, आप बजेंद्र सिंह, ये अभी पाकिस्तान खेल के आया है, हमारी पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद, वहां पर वहां कैंप है, 7 देशों की प्रतियोगिता हुई थी और हिंदुस्तान ने उस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। मनोज छात्र है दर्शक साथियों, प्रदेश का कमेटी की तरफ से इनके माँ बाप को नमन करते हैं और आशा रखते हैं आगे भी इस तरह का नाम रोशन करता रहे। विजेंद्र जी रेड पे है वेदपाल मोर गांव छात्र, काला सिंह वागे द्वारा अच्छी कैच की कोशिश लेकिन सफल रेड, वेदपाल छात्र के खाते में पॉइंट। फिर रेड पर दर्शक साथियों मनदीप सिंगवा जिला हिसार, फिरोज शाह तुगलक, मोरी गेट की बात है, चाहे नंगोरी गेट की बात है, चाहे दिल्ली गेट की बात है, चाहे तलाकी गेट की बात है, फनन्ना गांव सिंगवा जिला हिसार, ये भी दर्शक साथियों ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलेगा मनदीप और फनन्ना गांव सिंगवा जिला हिसार। और ये गुरमीत के साथ फाइट है लेकिन पॉइंट मिला मनदीपुर अपनन्ना, बड़ी अच्छी चैन, चाहे मनीष की बात है, चाहे राजू छात्र की बात है, मनोज छात्र की बात है, फिर एक गुरजिंदर सिंह उर्फ काली यमुनानगर
जो योद्धा के साथ मुकाबला हुआ था, पानीपत पंडो का एक दमदार खिलाड़ी रागुरजीत ताली 60 रेड पॉइंट लेकर यह दर्शक साथियों प्रतियोगिता में बना रहा। फिर श्याम सिंघवा के साथ फाइट है दर्शक साथियों, इन्होंने भी मोटरसाइकिल अपने नाम करने का काम किया लेकिन पॉइंट मिला गुरजिंदर और काली गांव छात्र जिला जींद को। फिर सिंघवा ने अपना तीसरा रेडर पर दाव खेला है, तीसरा रेडर चलाया है। देखते हैं अगला जो मैच है, माननीय मास्टर विजेंद्र जी, बहु अकबरपुर वर्सिज बलबेड़ा और यह है मनोज छात्र अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शिल्ला डी पीर जागुर बनभौरी का भरजा है दर्शक साथियों, इन्हीं के पास इन्होंने प्रशिक्षण लिया है और अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है मनोज छात्र। फिर रेड पर है हरियाणा प्रदेश का नमन उस माता इंद्रो देवी और पिता अजमेर सिंह मोर को जिन्होंने ऐसे होनार बेटे को जन्म दिया, वेदपाल छात्र जिला जींद। यह है श्याम सिंघवा के साथ फाइट है लेकिन पॉइंट में देखो दर्शक साथियों, घोड़े की तरह चोट लगते, युद्ध के जो घोड़े होते हैं चोट लग रही और बेटा अपनी टीम के लिए एक अंक जुटा रहा है। रेड पर हरिवंश राय बच्चन ने भी बड़ा सुंदर शब्दों में कहा दर्शक साथियों, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, छोटी चिंदी जब दाना लेकर चढ़ती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, उसकी रगों में विश्वास भरा होता है, चढ़कर गिरना नया करता आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुरदीप काली गांव छात्र जिला जींद का बहुत ही शानदार सुपरस्टार खिलाड़ी और ये श्याम सिंघवा रागो बाटोल जाटान जिला हिसार में बेस्ट कैचर के लिए कपिल सिंघवा चहल परिवार का बेटा, बड़ा अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है, बड़ा कंपटीशन का ये मैच होगा, फाइनल जैसा मुकाबला होगा जो इस गांव ने निष्पक्ष ईमानदारी से प्रतियोगिता करवाई है। और ये मनीष मोर के साथ फाइट है मनीष, लेकिन पॉइंट मिला कपिल सिंघवा को। और ये 30 बाजी के द्वारा सभी भगवान रूपी दर्शक साथियों का, खिलाड़ियों का, दानवीर कर्णों का, गुरु नानक जननायक चौधरी देवीलाल प्रथम सर्कल कबड्डी महाकुंभ के पदाधिकारियों के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा। फिर वेदपाल छात्र रेड पर है, अगली टीमें बुलाओ जी। बलबेड़ा जिला कठड़ा बहु अकबरपुर जिला रोहतक जी। और ये रेड पे देखिए वेदपाल छात्र, शानदार कैच का प्रयास राजा सिंघवा के द्वारा, पॉइंट छात्र के हिस्से में बलबेड़ा वर्सेज बहु अकबरपुर दोनों टीमें भाई, राजा बलबेड़ा और उसके बाद और अमित फौजी अपनी टीमों को लेके आए चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच होगा रेड पे गुरदीप और ये मैच का हाफ टाइम स्कोर बताएं बताएर इस प्रकार है, सिंघवारा गांव 6-12 यानी के राजू छात्र ने अपना हाथ ऊपर कर दिया, भाई मेरे को टच हुआ और बड़ा बधाई का पत्र है हमारा खेल। ये गुरजिंदर सिंह उर्फ काली और ये काला उर्फ काला पॉइंट गुरदीप के खाते में छात्र के हिस्से में चलिया कपिल सिंघवा। दर्शक साथी पंचायत में दो शानदार खिलाड़ी दोनों रेडर कपिल और नन्ना, अच्छा मुकाबला चलता हुआ 4 कैचर, ये राजू छात्र के साथ मुकाबला हुआ पॉइंट कपिल के हिस्से में। साहब एक किसी भी दर्शक भाई का फोन गिर गया है, अगर किसी को मिले तो एक बार उसको जरूर अनाउंस करवाए, देखो ईमानदारी अभी जीवित है और उसका जीवित रहना बहुत ही जरूरी है, नोकिया का वो सेट है। और ये राजा सिंघवा के द्वारा शानदार कैच की कोशिश, वेदपाल छात्र को कैच करने का प्रयास, संघर्ष जारी है और ये देखिए संघर्ष करने वालों को शानदार कैच हुई पॉइंट राजा के हिस्से में, सिंघवा रागो के हिस्से में। फिर है मंदीपुर है नन्ना रेड पर है दर्शक साथियों, हर एक टीम कोशिश कर रही है और कोशिश करवा रही है भाई, महेंद्र सिंह मलिक और रोहतास मलिक है इनकी सारी फैमिली, क्योंकि 1,93,000 रुपए की नगद धनराशि ये
दानवीर साथी देंगे, दानवीर कर्ण दोनों भाई देंगे। फिर एड पर दर्शक साथियों गुरजिंदर उर्फ काली गांव छात्र जिला जी। अगला मैच है बलबेड़ा ओवरसीज बहु अकबरपुर जिला रोहतक मैदान पर पहुंच जाए। और सामने चार कैचर काला राजा अमित और श्याम सुंदर सिंह वारा को, श्याम सुंदर को बांटो जाटाण हिसार में बेस्ट कैचर के लिए सम्मानित किया गया। पूरी सिंह वारागो की टीम ने बजीना खेल धरती पे 1,00,000 रुपया पुरस्कार जीता। और ये गुरजीत काली को, गुरदीप काली को, और ये श्याम सिंह वाला बड़ा हरियाणा का स्टार स्टॉपर, कंपटीशन का बिल्कुल कम है, मार्जिन रह गया है। फिर रेड पर है कपिल सिंह वा, बड़ा मिट्टी से जुड़ा हुआ ये खेल, कोशिश कर रहे हैं हर एक खिलाड़ी। और ये राजू छात्र के साथ फाइट है दर्शक साथियों, वो दिन दूर नहीं, नेशनल स्टाइल कबड्डी का हमारा अहमदाबाद में 12 देशों की प्रतियोगिता हुई थी और हिंदुस्तान ने लगातार 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, चाहे 2004 की बात है, 2007 की बात है, अब 2016 की बात है। और लोगों हिंदुस्तान के नाम बहुत रिकॉर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं। हॉकी को लीजिए, मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता, 2900 उसके दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदुस्तान ने 11 मेडल जीते हॉकी में लोगों, चाहे 1928 की बात, 32 की बात है, 36 की बात है, 48 की बात है, 52 की बात, 56 की बात है, 64 की बात है, 80 की बात है, इन 8 तो गोल्ड मेडल हिंदुस्तान ने हॉकी में, और 68 और 72 में ब्रॉन्ज मेडल, और 1960 में इटली रोम में हुआ था हिंदुस्तान ने हॉकी में सिल्वर मेडल जीतने का काम किया। मैं नमन करता हूं, उसमें हरियाणा प्रदेश के भी खिलाड़ी थे और अब भी है। फिर एड पर गुरजिंदर उर्फ काली, शानदार हरियाणा प्रदेश का नंबर वन खेल कबड्डी। दर्शक साथियों इस खेल के रोमांच की कोई कमी नहीं, शुरू में आकर्षक खेलों से, आकर्षक के नामों से शुरुआत हुई। कबड्डी करोड़ हो चुकी है, वर्ल्ड कबड्डी लीग में 1 करोड़ का पुरस्कार रखा गया। मोहाली में फाइनल हुआ रेड पे, और ये और बता दूं जो हमारा रियो जी दिनोरिया थे, मलिक परिवार की बेटी थे, दीपा मलिक की बात है, साक्षी मलिक की बात है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए तिरंगा फहराने का काम किया। मैं नमन करता हूं मलिक परिवार की इन बेटियों को, चाहे दीपा कर्माकर की बात है, ललिता बाबर की बात है, कई आदमी भाई इन बेटियों के बारे में बड़े बद्दे चुटकले करते, मुझे बड़ी शर्म आती है। आज इन बेटियों माँ को क्या देखिए, उसकी कोख को देखिए, जिन्होंने चोर ठग जवारी और दानवीर कर्ण लग के लोगों को इन्होंने जन्म दिया। मैं नमन करता हूं इस मातृशक्ति को दर्शक साथियों। और आज तो उनसे लोग इनके बारे में कटाक्ष करते हैं, उनसे पूछिए रिश्ते को नहीं होते, बिहार बंगाल में जाएगा जोड़ी करके मैं अंकल आवा, ये हाल हो गए इन बेटियों के ऊपर जो लोग कटाक्ष करते हैं। ये पीपी साहब अभी हमारा एक दानवीर रामकर्ण, रामकर्ण पुत्र ईश्वर, रामकर्ण पुत्र ईश्वर, उन्होंने इस खेल कमेटी को 1100 रुपए से सम्मानित किया। भाई प्रोत्साहन के रूप में 1100 रुपए दिए, भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। अगली टीम है बजेंद्र जी, बलबेड़ा की टीम से अनुरोध है कि तुरंत खेल मैदान पे आए, उसके बाद मुकाबला होगा जमोला वर्सेज कालन। दोनों टीमों के लिए पुकार, जमोला और कालन खेल मैदान पे आए। बलबेड़ा की टीम में पहुंच जाए क्योंकि बहु अकबरपुर जिला रोहतक की टीम खेल मैदान पर आई। आप नवीन नीरज और खेल समिति के जयदेव जी उनको चेक करेंगे यहीं पर प्लीज। और ये शानदार कोशिश, ये फौजी साहब एक मिनट लो, हाँ ये दानवीर जिसने इस खेल कमेटी को खेल से खुश होकर 2100 रुपए विजेंद्र सनोफ श्री रामचंद्र, विजेंद्र सनोफ श्री रामचंद्र जो जहां भी हमारी टीम जाती है ये इनके अपनी जीप है, उस खिलाड़ियों को लेकर जाते हैं। और अब इस खेल कमेटी को वो अपनी नेक कमाई में से 2100 रुपए प्रोत्साहन के रूप में देते, हम भाई साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। मनदीप नारू नन्ना सिंहवा बहुत ही शानदार ताकतवर खिलाड़ी, हरियाणा प्रदेश का रफ्तार का खिलाड़ी। भाई मेरा अनुरोध है बलबेड़ा जिला कैथल से नजदीक चलने दिलभागे, ये एक भाई इदारे से था उसका साइकिल ले गया, कोई मैंग ले गया, धोखे से ले गया उसका साइकिल, जरूर दे दे भाई, देखो अपना। और भाई दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा भाई अपने जेब को संभाल के रखें क्योंकि सवारी अपने
सामान की खुद जिम्मेवार है। इतना बड़ा मेला है, सारा के लोग आ रहे हैं, कई चोर भाई भी आ रहे हैं, वो भी अपना काम करने की कोशिश में है, तो आप अपने सामान को सुरक्षित रखियो। ये फौजी साहब, हाँ जी, हमारे ये इस खेल कमेटी को इन खेलों से खुश होकर इतना बढ़िया आयोजन महेंद्र मलिक ने किया हुआ है, तो जयवीर स्नोब साजुराम, जयवीर स्नोब साजुराम, उन्होंने इस खेल कमेटी को 2100